फिर ये भी रहता है कि भाई उम्र होती जा रही है तो जॉब लगना जरूरी है, इम्पोर्टेंट आजकल, क्योंकि बिना जॉब के कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कहीं कहीं जाके तो ऐसा लगता है कि यार कुछ करा ही नहीं है अभी तक लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील होता है। वसुंधरा राजे जी की जब सरकार आई 2013 में तो उन्होंने कहा था कि वो बेरोजगारी के लिए 15 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगी, लेकिन इस काम में वो नाकामयाब रही। उसी तरफ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो करीब 7% से 10% बढ़ गया है 2016 से मार्च 2019 तक। ये नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। हम अदिति से मिले जिन्होंने हमें बताया कि कैसे सरकारी और प्राइवेट जॉब लेने में वो बिल्कुल नाकामयाब रही हैं। मान के चलिए 1-1.5 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट गवर्नमेंट वैकेंसीज ही कुछ इतनी लिमिटेड निकालती है कि जहाँ पे सिलेक्शन पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के साथ में कुछ प्राइवेट बैंक्स के लिए भी ट्राई कर रही थी, तो मुझे ये जानकारी मिली कि आप उन लोगों की जो बैंक प्राइवेट बैंक्स की जो साइट्स होती है वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे जाके अपलोड कर दीजिए। हम लोगों को एक कॉन्टीन्यूस मेल मिलता जाता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि हाँ भाई हम आपके लिए देख रहे हैं, आपके लिए कोई सूटेबल पोस्ट अगर हमारे पास होगी तो हम लोग आपको ज़रूर कॉल करेंगे, बट वो कॉल आज तक नहीं आया है। प्राइवेट जॉब है लेकिन आपकी जो पढ़ाई है उस चीज़ को लेके नहीं है। अगर आपने सिंपल पढ़ाई कर रखी है, मास्टर्स तक भी कर रखी है, तो अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको एक सिंपल अकाउंटेंट की जॉब मिलती है, जो कि और वो जॉब मिलती है आपको 10,000 रुपये की या 15,000 रुपये की, उससे आपका कुछ भी नहीं हो सकता। पर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपको सामने से कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम भी लगता है और वो वेस्ट ऑफ पढ़ाई भी लगता है। इस बेरोजगारी के मुद्दे को कवर करने के लिए हम जयपुर से जोधपुर तक गए और वहाँ पर भी हमने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं उनको भी बेरोजगारी से बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है? एम्प्लॉयमेंट का मैम अभी तो एम्प्लॉयमेंट पूरे राजस्थान के पूरे भारत में ही अभी एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज़्यादा जो तकलीफ आ रही है वो स्टूडेंट्स को या यंग जनरेशन को ही आ रही है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट अच्छी तरह नहीं हो पा रहा। वैकेंसीज वगैरह नहीं निकल रही ना इतनी, जैसे जो वैकेंसीज अब जैसे लॉ की बात करें तो पूरे भारत में कुछ 5,000 समथिंग जजेस की सीट खाली है, लेकिन वो वैकेंसी निकल ही नहीं रही। जे लॉ एक जूनियर लॉ ऑफिसर होता है, आज 5 साल हो गए उसकी वैकेंसी निकले हुए, अब 5 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकली। तो इस तरह से मतलब हर चीज़ का एक मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर हमारे को फिर वही पोस्ट नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई करी ही क्यों। तो मेरी तो गवर्नमेंट से केवल यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वैकेंसी आप ज़्यादा निकालिए।